एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज आयुषी पाठक और आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का लेक्चर 3 पढ़ाने वाली हूं। मैं इससे पहले आपके लेक्चर्स बना चुकी हूं फॉर सॉल्यूशन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 और आप लोगों को आई होप ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको सब कुछ समझ आता है तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है बनाने की कि वीडियोस हम आगे आगे और भी आप लोगों के लिए बनाते जाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, पीएच स्केल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका पीएच स्केल आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, मैं मानती हूँ आप 10th क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि पीएच क्या होता है। ठीक है, एंड आपको आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि पीएच क्या होता है। तो पीएच बेसिकली हम एच प्लस की आयन की कंसेंट्रेशन से देखते हैं कि एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक, जितनी OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना बेसिक, या H प्लस आयन की कम होगी उतना बेसिक। ठीक है, तो ये चीजें तो हम छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि pH अगर लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, ग्रेटर देन 7 होगा तो बेस, इक्वल टू 7 होगा तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा है और आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल इतना भी नहीं कि आपको कुछ समझ ना आए, इतना है कि आप अगर बेसिक से लेके एडवांस तक चलोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो मैं बात बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे आपका बेसिकली डेफिनेशन क्या है पीएच की वो दिखाना चाह रही हूँ। तो आपका नेचर, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर, आपका जो वाटर है या कोई और सॉल्यूशन है उसका जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और OH माइनस आयन इज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो आपका जो नेचर है एक्वस सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब आपका ये पूछना जायज है कि मैं यहाँ H प्लस क्यों नहीं लिख रही, H3O पॉजिटिव क्यों लिख रही हूँ। आया होगा दिमाग में कि हमने तो H प्लस आयन आज तक पढ़ा है, H3O पॉजिटिव नहीं पढ़ा। तो बच्चों मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि H प्लस जो है वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के साथ कंबाइन होके आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमारी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना आज के बाद कि H प्लस आयन आपने अकेले कभी नहीं लिखना है कि आपको एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है, आपको इधर H3O पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है या आप लिख सकते हो H प्लस इन अ एक्वस स्टेट। ठीक है, तो आप ये दो चीजें लिख सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एसिडिटी। ठीक है, तो आपको अब इतना समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे H3O पॉजिटिव क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि H प्लस आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर आपका H3O पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं हम एसिडिटी के लिए, या हम H प्लस एक्वस लिख सकते हैं एसिडिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आपका OH आयन तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव और OH माइनस आयन में जो डिफरेंस है वो ये है कि H3O पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, कितना होगा, एसिडिक होगा, और अगर जितना OH माइनस आयन ज्यादा होगा उतना ही वो चीज सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बातें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपका रेड, येलो और ग्रीन कलर से चीजें लिख रखी हैं कि आपका H3O पॉजिटिव रेड कलर से लिखा है, H3O पॉजिटिव येलो कलर से भी लिखा है और H3O पॉजिटिव ग्रीन कलर से भी लिखा है। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको क्या रिप्रेजेंट कराना चाह रही हूँ, देखो आपका H3O पॉजिटिव यानी 10^-7, अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन बॉक्स है, ठीक है, तो अगर आपका H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10^-7 से ज्यादा है तो वो चीज क्या है, एसिडिक है, और एसिडिक को ज्यादातर हम पीएच स्केल में रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एज रेड, इन अ रेड कलर। ठीक है, और अगर आपका येलो कलर से है रिप्रेजेंटेशन और इक्वल लिखा हुआ है तो ये 10^-7 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक, और अगर आपका H3O पॉजिटिव आयन ग्रीन कलर से लिखा है एंड आपका लेस देन 10^-7 की आयन कंसंट्रेशन से कम है, बेसिकली आपकी जो कंसंट्रेशन है ये 10^-7 से कम है, तो आपका ये सोल्यूशन क्या है, बेसिक। अब आपको ये 10^-7 नहीं समझ आ रहा होगा, आई नो, क्योंकि ये लॉग की टर्म्स में है। ठीक,
तो हमने अभी तक जो 10th क्लास तक पढ़ा था वो यही पढ़ा था, इक्वल टू 7, ठीक है, लेस देन 7, मैं इसको सॉरी एक सेकेंड, लेस देन 7 आपका बेसिकली 7 से कम होगा H3O माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, तो ये इस तरह से ही टर्म्स में आएगा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन या लेस देन 7 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लेस देन 7 लिख लेती हूँ, और अगर ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपके ग्रेटर और उसके साइन उल्टे हो रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। तो हमने जो बेसिक बातें याद की थी वो ये कि अगर आपका 7 से कम है, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर 7 के इक्वल है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से बड़ा है यानी 7 टू 14 एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है आपका बेसिकली बेस है, ठीक है। तो ये तो आपकी बेसिकली हो गई कि H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन किस तरह से, ये तो बेसिक बातें हैं आपकी जो हम हमेशा से जानते आए हैं। अब आते हैं बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, उन्होंने बोला था कि मतलब न्यू टर्म निकाली थी पीएच की, किसकी, पीएच की न्यू टर्म निकाली थी कि हाइड्रोजन आयन को हम कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं पीएच इज डिफाइंड एज, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। बेसिकली उन्होंने बोला कि आप पीएच को रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। तो उन्होंने ये फॉर्मूला आपको दिया, ठीक है, और उसके बाद जो मैं आपके ये नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ा सा लॉग की टर्म्स को पॉजिटिव में लाया गया है। अगर मैं माइनस से पॉजिटिव कर लेती हूँ तो मेरा 1/H3O पॉजिटिव आ जाएगा, मैं मानती हूँ आपको इतनी लॉग्स की वैल्यू पता होंगी, ठीक है। और फिर अगर मैं लॉग H3O पॉजिटिव इधर ले जाती हूँ, लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, तो वो माइनस पीएच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर उधर टर्म्स की हैं और आपका बेसिकली आंसर निकाला हुआ है, डेरिवेशन है, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप बस इतना याद रखो कि आपका पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। अगर मैं इन दोनों की साइड, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेती हूँ तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आएगा, H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 10^-pH, ठीक है। तो अब मान लो मैंने बोला कि मेरे H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है आपकी, अगर मैंने H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आपको बताई है कि बेटा मेरी H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10^-7 है, अब मुझे बताओ पीएच क्या होगा, क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है, और आप यहाँ पे माइनस लॉग क्या कर लोगे, आप यहाँ पे 10^-7 लिखोगे। अब सॉल्व करना आना चाहिए, आपका जो पावर में है वो इधर आ जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा और माइनस 7 इधर ले आऊंगी मैं, और लॉग 10, लॉग 10 क्या होता है आपका 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लॉग 10 का आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस माइनस 7, लॉग ये हो जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा पीएच 7। तो पीएच बच्चों कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। तो आपको यहाँ चीज क्या समझ आई कि आपका जो बेसिकली पीएच हम लोग निकालते थे 10th क्लास तक जो हम पढ़ते थे वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जो सोरेनसन थे उन्होंने 99 में हमें कुछ ऐसी टर्म्स दे दी थी जिसमें आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया था और आपके इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको पीएच निकालनी है, आपको कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है। तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, अगर आपके पास 10^-8 कंसंट्रेशन है और 10^-4 कंसंट्रेशन है तो पीएच निकालो, ठीक है। तो अगर आप पीएच निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ से कुछ सीखा और आप पीएच की वैल्यू निकाल पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाएं कि आपको पीएच निकालना है। तो मैंने आपको पीएच निकाल के यहाँ दिखा दिया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे माइनस 7 बेसिकली लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं दोबारा से मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि पीएच आपका जो फॉर्मूला है वो लिखो, माइनस लॉग आपकी जो कंसेंट्रेशन है वो भी लिखो, अब जो पावर में है ना उसको आप यहाँ पे ले आओ, वापस इधर नीचे ले आओ, और लॉग की पावर लॉग 10 तो एज इट इज रख दो, और माइनस माइनस 7 आप याद रखना कि आपका यहाँ पे माइनस है, और अगर ऊपर भी कोई माइनस है तो उसको भी लिखो, अगर नहीं है तो मत लिखना, लेकिन अगर यहाँ है तो लिख लो,
और उसके बाद माइनस माइनस प्लस आपका pH 7। कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसको सॉल्व करोगे। इट्स योर होमवर्क। 10^-8 और 10^-4 की pH आप लोग मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड pH बाय दिस फॉर्मूला। आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, यस, आपका एक मेरा चैनल है रसायन विज्ञान कोचिंग नाम से, प्लीज आप उसको जाके देखना एक बार। उसमें काफी सारी लेक्चर सीरीज हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे जो 11th-12th में होंगे, हो सकता है वो पॉलिटेक्निक ना कर रहे हो या 11th-12th में हो, तो अगर उन्हें जरूरत है किसी केमिस्ट्री टीचर की तो प्लीज आप उन लोगों को मेरे चैनल का नाम जरूर बताइएगा। आई बटन पे मैं आपका लिंक दे दूंगी, आप जाओ वहां पे, लिंक पे क्लिक करो और वहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में, किसी भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना ऑन डिमांड टॉपिक बताइए, मैं आपका जरूर जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और आप चाहोगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब बेसिकली केमिस्ट्री में जितना भी आपका चैप्टर्स हैं उन सब के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका पीएच स्केल दिखा रखा है आपको, देखो यहाँ पे आपका एसिड से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एसिड बेसिकली एसिड से रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक आपका एसिड है, 7 इज अ न्यूट्रल एंड 8 के आगे आपका क्या है, बेस है। तो बेसिकली वहां पे मुझे ब्लू कलर यूज करना चाहिए था जहां पे मैंने बेस के टर्म्स में यूज किया है, हाँ, तो वो ब्लू कलर होता है, कोई बात नहीं, आप ग्रीन कलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पीएच स्केल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरह से एसिडिटी, न्यूट्रल और बेस हम किसी सोल्यूशन में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ पीएच पे। पीएच हमारा आखिर काम कहाँ आ रहा है, हमने पीएच पढ़ लिया लेकिन पीएच काम कहाँ आ रहा है, तो पीएच काम आने की चीजें देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, जो पहला आपका पॉइंट है वो क्या है, पीएच टेल्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो करता ही है। तो अगर आपका 7 से कम पीएच है, कम पीएच है तो वो एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली, और आपका जो अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो वो आपका बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एसिडिटी और बेसिसिटी का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है डाइल्यूशन टू डबल द वॉल्यूम H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, मतलब क्या है, और नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है पीएच इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो मैंने क्या किया, आपका जो सोल्यूशन था मैंने मान लो लिया है 1 × 10^-7 और मैंने इस सोल्यूशन को क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, डाइल्यूट किया, और मैंने डाइल्यूट तब तक किया जब तक इसका जो वॉल्यूम है वो इसके डबल नहीं हो जाता। डबल किया तो मेरा आंसर कुछ आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली, इसको देखते हैं, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे पीएच जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे पीएच जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं 10^-7 ले रही हूँ और यहाँ पे इसको डबल कर रही हूँ सोल्यूशन को, तो आपका पीएच और बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन के वक्त आपका जो पीएच है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपका पीएच मान लो 2 है किसी चीज का, ठीक है, 2 है पीएच, तो आपका थोड़ा 2-3 पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। अगर मेरा पीएच 2 है तो आपका जो पीएच है, अगर मैं डाइल्यूशन कर देती तो वो पीएच 2.3 तक भी जा सकता है, 2.5 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर मैं हाफ द वॉल्यूम कर रही तो वो 2.3 तक जाता है, ठीक है। तो इतना आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए कि डाइल्यूशन जो होता है वो क्या कर देता है, आपका पीएच इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आपका इसलिए कहा जाता है एसिड को कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट करते जाओ, तो यानी उसमें आप वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो यानी डाइल्यूट करते जा रहे हो उसे, और डाइल्यूट करने पर पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 7 से ज्यादा होने लगता है। या आपका हो सकता है 2 पे पीएच है तो 5 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है, तो बढ़ ही रहा है पीएच, तो पीएच बढ़ने का रीजन है डाइल्यूशन। तीसरा है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो हम लोग लैब्स में अपनी टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एंड पॉइंट में यानी जब आपका डाइल्यूशन हो जाता है तो इंडिकेटर्स कुछ कलर में ए चेंज दिखाते हैं इंडिकेटर, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाइथिलीन हो गया, तो ये आपके इंडिकेटर्स जो है कलर चेंज दिखाते हैं। तो वो बेसिकली H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ही बताते हैं कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी ज्यादा हो गई है या कितनी कम हो गई है, ठीक है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी पीएच का रोल है। चौथा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। हाँ, ये अच्छा प्रोसेस है, मतलब बेसिकली आपके ह्यूमन बॉडी में भी पीएच डिटरमिनेशन होता है और पीएच रहना चाहिए। जैसे कि आपका जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 आइडियल होता है, इससे 0.2 भी अगर इधर उधर हुआ तो इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो आपका जो पीएच है
वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में काफी जगह आपका जो पीएच है वो मेंटेनेंस रहनी चाहिए, ठीक है। पांचवा है आपका फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन यानी अगर फूड ज्यादा, बेसिकली ज्यादा एसिडिक कंडीशन मिल गई तो आपका फूड प्रिजर्व नहीं रह सकता, हो सकता है आपका फूड खराब हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो फूड्स होते हैं, रैंसिडिटी और ये करोजन, बेसिकली आपके फूड जो स्पॉइल होते हैं वो एसिडिक मीडियम होने की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी आपका पीएच डिटर्मिनेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि इसका पीएच इतना है तो ये फूड इसमें इतना प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर में भी पीएच का रोल है। कैसे रोल है? आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो चेक की जाती है कि पीएच ज्यादा है या पीएच कम है। तो बेसिकली न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है आपकी सॉइल को अच्छा होने के लिए, मतलब सॉइल में अगर कुछ उगाना है तो पीएच जो है वो न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए, ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेंस आपकी बॉडी में, स्टमक में, अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक का जो पीएच होता है ना वो 5.6 होता है। तुम बोलोगे क्या एसिडिक मीडियम? यस, क्योंकि एचसीएल की प्रोडक्शन होती है जिससे डाइजेशन हेल्प करता है, करेक्ट। तो एचसीएल जो है वो 5.6 पीएच का होता है। ऑल्दो हमारा जो स्टमक है वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि आपका स्टमक एचसीएल के अलावा भी कुछ चीजें और कहते हैं रिलीज करता है, जैसे कि आपका पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है। तो वो एचसीएल आपके पेट को हार्म नहीं करता, लेकिन डाइजेशन के लिए इतना पीएच चाहिए होता है। आपकी कोई चीज, आपके स्टार्च आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपका इतना पीएच बहुत जरूरी है। ऑल्सो आपका टूथ डिके, अगर आपका टूथ मतलब बेसिकली टीथ, मुंह का पीएच 7 तक है तो आपके टीथ बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आपका टूथ का पीएच 5.3 से या 5.2 से कम है यानी 3-2 ऐसे है, तो आपका टूथ डिके तय है, यानी टूथ खराब हो रहा है आपका या टीथ खराब हो रहे हैं आपके 5.3 पीएच तक पहुंचने पर, ठीक है। तो ये थी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलती है, ठीक है। तो आई होप आपको एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब आते हैं हमने जो चीज नहीं पढ़ी थी पीएच के अलावा, वो थी नॉर्मैलिटी इक्वेशन एंड मोलैरिटी इक्वेशन। मैंने आपको फॉर्मूलेज तो पूरे पूरे लिखवा रखे हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी का, एंड आपका बेसिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलेज बताए थे। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आपकी बुक में जो है वो आपका इक्वेशंस की बेस्ड पर है, ठीक है। तो आपको वहां पे कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो आज मैं आपको वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में उस कंसेप्ट में क्या है बेसिकली, पहले तो जान लेते हैं नॉर्मैलिटी इक्वेशन। अगर डाइल्यूशन वॉल्यूम का V1, मान लो आपका 2 लीटर वॉल्यूम था और 3 लीटर तक जा रहा है वो वॉल्यूम, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और मोलैरिटी इक्वेशन में भी यही है कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो ये याद कर लेना फॉर्मूले कि अगर आपका डाइल्यूशन वॉल्यूम V1 से V2 यानी 2 से 3 या 2 से 5 ऐसे लीटर जा रहा है, तो आपकी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी इक्वेशन ये है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन जो अभी आपको एक क्वेश्चन में काम आएगी और जो आपका क्वेश्चन दे भी रखा है आपकी बुक्स में, ठीक है, तो वो है ऑन मिक्सिंग 2 नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन। अगर 2 नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन अगर आपके मिक्स किए जा रहे हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होते, तो नॉर्मैलिटी की इक्वेशन आपके यहाँ पे लिखी हुई है N1V1 + N2V2 = N3V3। और अगर मोलैरिटी फाइंड करने को बोलता है जब आपके नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन है, तो आपका फॉर्मूला ये लगता है M1V1 + M2V2 = M3V1 + V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बेसिक हम लोग फॉर्मूले इसको ही पढ़ना है हमें, हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 4 लीटर ऑफ 0.2 मोलार NaOH सॉल्यूशन एंड 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलार NaOH सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है वो कि मोलैरिटी बतानी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, जो ऑब्टेन होगा 4 लीटर और 0.2 मोलार NaOH सॉल्यूशन से और 2 लीटर 0.5 मोलार NaOH सॉल्यूशन से। तो आपका बेसिकली मोलैरिटी निकालनी है और आपको 2 मिक्सचर दे रखे हैं और ये दोनों ही नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला और रिजल्टिंग निकालना है आपने, तो M1V1 + M2V2 = M3V1 + V2। तो आपको मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की निकालनी, ये निकालना है आपने। आपको बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, फटाफट से पुट कर देते हैं। मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 लीटर और 0.2 m, तो मैं M1V1 ले रही हूँ आपका, M1 = 0.2 m
एंड वी वन इज इक्वल टू 4 लीटर। ऐसे ही मैं अगर एम टू ले लूँ तो एम टू आपका कितना है 0.5 मोलार एंड वी टू आपका कितना है 2 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 × 4 प्लस एम टू कितना है 0.5 × V2 कितना है 2। ठीक है, और एम थ्री हमें निकालना ही है, और V1 plus V2 यहाँ पे V2 आएगा। ठीक है, V1 plus V2 आपका कितना है 4 plus 2, तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.8। ओके, आपका ये आ जाएगा प्लस 1.0। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और ये एम थ्री एंड 4 plus 2 is 6, करेक्ट। अगर मैं 1.0 और 0.8 को प्लस करूं तो ये आपका 1.8 आ जाना चाहिए। तो ये 1.8 आ चुका है आपका एम थ्री इंटू में ही है, जब भी आपको कुछ नहीं दिया होता वो मल्टीप्लाई में ही होता है 6। तो आपका 1.8 अपॉन 6 अगर मैं कर देती हूँ तो एम थ्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3 M3। ठीक है, तो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन कितने कंसंट्रेशन का है 0.3। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इजी है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि किसका फॉर्मूला। अब इसने तो रिजल्टिंग पूछा था, अगर वो पूछ लेता कि आपका एम वन आपका 0.2 M है, 4 लीटर वॉल्यूम है, 2 लीटर वॉल्यूम में कितना मोलार होगा, तो आप एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टिंग पूछा था और बाकी एम वन वी वन एम टू वी टू दे रखे थे, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। तो इसकी ट्रिक ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नॉन रिएक्टिंग है, कौन से में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो पिछली क्लास में नहीं हो पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन हम और भी कर सकते हैं मैं मानती हूँ। ठीक है, तो आज जैसा कि एज प्रॉमिस्ड मैं हमेशा रिविजन जरूर करके जाती हूँ क्लास का, तो हम रिविजन जरूर करके जाएंगे। रिविजन क्या करने वाले हम देखते हैं। आपका मैंने आपको पीएच सॉल्यूशन बता दिया कि एक्वा सॉल्यूशन जो है आपका डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी होगी हाइड्रोनियम और ओएच माइनस आयन की। जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन उतना एसिडिक, जितनी कम उतना बेसिक। आपका हमेशा एच प्लस नहीं लिखते हम, एच थ्री ओ पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एच प्लस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चीजें दिखा रखी है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल क्या होते हैं। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था और जिसको डिफाइन किया था पीएच को, कि वो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। और मैंने आपको यहाँ होमवर्क दिया है कि जैसे मैंने आपको कराया है एच थ्री ओ पॉजिटिव का 10^-7 का पीएच निकालो, ऐसे ही आपको 10^-8 और 10^-4 का पीएच निकालना है। आई होप आप जरूर निकालोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, आते हैं हम पीएच स्केल पे। ये मैंने आपको पीएच स्केल दिखाया कि पीएच स्केल किस तरह का दिखता है एक्चुअली। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ पीएच में हमने बताया कि एसिडिटी और बेसिसिटी डिटरमाइन करता है। दूसरा था कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना पीएच इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा, एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारा यूज होता है पीएच की कंसंट्रेशन, एच प्लस और ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन पता लगा के हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और इससे आगे पीछे हुआ गलती से भी तो मेटाबॉलिज्म इतना खराब होगा कि आपका बेसिकली इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी आपका ज्यादातर एसिडिक मीडियम में फूड खराब हो जाता है, और बेसिक में भी ऑफकोर्स न्यूट्रल रहना चाहिए आपका फूड प्रिजर्वेशन में भी। सिक्स पॉइंट था एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस, यानी सॉइल की फर्टिलिटी और आपका सॉइल का जो पीएच है वो हम मेजर करके ही आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेस आगे करते हैं। लास्ट था आपका बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में दो एग्जाम्पल दिए थे, स्टमक का और टूथपिके का। स्टमक में मैंने बताया था कि HCl की जो कंसेंट्रेशन होती है वो 5.6 तक होती है, और इससे ना कम होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और आपका टूथ डिके अगर 5.3 पीएच से कम जा रहा है तो आपका जो टीथ है वो टीथ डिके हो जाता है, मतलब यानी पायरिया वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आगे आते हैं हम लोग नॉर्मैलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन। अगर आपका डाइल्यूशन हो रहा है वॉल्यूम का V1 से V2, तो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी की इक्वेशन ये हैं। दूसरा, अगर आपके नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स हैं और आपको फाइनल मोलैरिटी या फाइनल नॉर्मैलिटी निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वो क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा।
ठीक है, और इस हिसाब से हमारा सोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आगे हम अगले लेक्चर्स में दूसरे चैप्टर्स लेके आए होंगे। तीन लेक्चर्स में ये सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से थॉरली देखो और साथ के साथ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ के साथ एक बार अगर आपको टाइम मिले तो रसायन विज्ञान कोचिंग जरूर विजिट करना, और आप वहां अपने फ्रेंड्स को भी वो रिकमेंड कर सकते हो। प्लीज उस चैनल को भी जरूर जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।